नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चौथी औद्योगिक क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह आज से नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मुख्य समारोह को संबोधित करेंगे। समुद्री तूफान तितली कमजोर होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ा। विशाखापट्टनम, पुरी और बालेश्वर रेलवे स्टेशनों पर हजारों यात्री फंसे। सरकार ने संचार संबंधी कुछ मदों पर आयात शुल्क बढ़ाया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के सिलसिले में 900 कैदियों को रिहा किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से हैदराबाद में। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौथी औद्योगिक क्रांति और यांत्रिक बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। इससे स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। कल नई दिल्ली में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में वो क्षमता है जो मानव जीवन का वर्तमान और भविष्य बदल सकता है। उन्होंने कहा कि सान फ्रांसिस्को, टोक्यो और बीजिंग के बाद भारत में चौथे केंद्र के शुरू होने से भविष्य में असीम संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मात्र औद्योगिक परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन लेकर आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, बिग डेटा और ऐसी तमाम नई तकनीकें में भारत के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने, रोजगार के लाखों नए अवसर बनाने और देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 3 विशेष मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये हैं विवरण की गोपनीयता और सूचना का अधिकार, सूचना अधिकार अधिनियम में संशोधन और सूचना अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह आज से शुरू होंगे। आयोग आज अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी इस अवसर पर एक डाक टिकट और विशेष आवरण भी जारी करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आज ही के दिन 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग ने अब तक मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित 17 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है। इसके अलावा आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न राज्य एजेंसियों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को 1 अरब रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। 3 दिवसीय समारोह के दौरान आयोग मानवाधिकार मेला और मानवाधिकार नुक्कड़ नाटक उत्सव का आयोजन करेगा। इसके अलावा मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मानवाधिकार पद यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रात में 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक SMS और WhatsApp कॉल के जरिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से मतदाताओं की निजता का सम्मान करने को कहा है। चुनाव आयोग युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर चुनावी गतिविधियों को प्रचारित करने की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश में 2,82,00,000 से अधिक मतदाता 18 वर्ष से लेकर 39 वर्ष के हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के 4 दिन के भीतर ही संपत्ति विरूपण अर्थात सरकारी या निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाने के 4.25 लाख से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 28 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी लॉग कर सकते हैं। समुद्री तूफान तितली धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से तटवर्ती ओडिशा में भारी बारिश हुई। राजधानी भुवनेश्वर में कल रात भारी बारिश हुई। गजपति, गंजाम और रायगढ़ जिलों में भारी वर्षा के बीच राहत और बचाव कार्य जारी हैं। रेल सेवाएं रद्द होने के कारण विशाखापट्टनम, पुरी और बालेश्वर रेलवे स्टेशनों पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं।
तितली तूफान के कारण आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई हिस्सों विशेषकर उत्तरी तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने से मृतकों की संख्या 8 हो गई है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और तराई क्षेत्र के ने भारी बारिश के साथ साथ ओले गिरने और तेज आंधी चलने से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सरकार ने संचार से संबंधित कई मदों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20% कर दिया है। इनमें बेस स्टेशन भी शामिल है। ये सीमा शुल्क आज से लागू हो गए हैं। एक पखवाड़े में सरकार ने आयात शुल्क में दूसरी बार बढ़ोतरी की है। संचार उद्योग में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर सर्किट बोर्ड असेंबली के लिए आयात होने वाले कुछ पुर्जों पर शुल्क में ये बढ़ोतरी की गई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के सिलसिले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 900 से अधिक बंदियों को रिहा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस साल 18 जुलाई की मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया था कि विशिष्ट श्रेणी के बंदियों को छूट देते हुए 3 चरणों में रिहा किया जाएगा। एक रिपोर्ट। बंदियों को दूसरे चरण में अगले वर्ष 6 अप्रैल को और तीसरे चरण में अगले वर्ष 2 अक्टूबर को रिहा किया जाएगा। इस विशेष छूट के तहत जिन श्रेणियों के बंदियों को रिहा किया जाएगा उनमें 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की ऐसी महिला और किन्नर बंदी शामिल हैं जिन्होंने आधी सजा पूरी कर ली है। पुरुष बंदियों के लिए आयु सीमा 60 वर्ष या इससे अधिक होगी। जिन बंदियों को किसी अपराध में मृत्यु दंड सुनाया गया है या फिर जिनके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला गया है उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आम लोगों को कम से कम प्रीमियम पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय हो रही है। बैंकों ने सभी व्यक्तिगत बचत खाता धारकों को इन योजनाओं के दायरे में शामिल कर लिया है। पेश है हमारे औरंगाबाद संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक बार पंजीकृत करने से यह बीमा पॉलिसी जब तक बैंक खाता चालू है तब तक चालू रहती है। जालना के निवासी दत्तू जाधव ने बताया, मैंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा निकाला है। इसके लिए मेरे बैंक खाते में से हर साल केवल 342 रुपए कटौती होती है। मेरे पश्चात इस योजना के माध्यम से मेरे परिवार को 4 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिलेगी। इस योजना के कारण मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित हुआ है। समूचे देश में अब तक करीबन 5.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कवरेज मिल चुका है और इस योजना में अब तक 1 लाख से अधिक दावे का भुगतान भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी 13.5 करोड़ से अधिक लोगों को कवरेज किया जा चुका है और हर हफ्ते में तकरीबन 1.5 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि समूचे देश में इन दोनों सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रसार तेज गति से हो रहा है। रमेश जायबाई, आकाशवाणी समाचार, औरंगाबाद। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर व्यापक बातचीत की। श्रीमती सीतारामन 3 दिन की यात्रा पर कल फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंची। श्रीमती सीतारामन की फ्रांस यात्रा वहां की विमान निर्माता कंपनी दासो एविएशन से 36 राफाल विमान खरीद पर उपजे विवाद के बीच हो रही है। श्रीमती सीतारामन आज पेरिस के निकट राफाल निर्माण केंद्र जाएंगी जहां वे विमान के निर्माण में प्रगति का जायजा लेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज से हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मैच में पारी और 272 रन से हराकर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विमलेंदु। चौथी औद्योगिक क्रांति के आगाज पर नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के एक केंद्र की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है। तकनीकी से नौकरियां घटेंगी नहीं बदलेंगी। पिछली औद्योगिक क्रांतियों में पीछे रह गया था भारत, लेकिन चौथी क्रांति में रहेगा आगे। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती जिले हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हिजबुल आतंकी की मुठभेड़ में मौत पर जनसत्ता लिखता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का शोध छात्र रहा था यह आतंकवादी।
हत्या के मामलों में हिसार के सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल के दोषी करार दिए जाने को हिन्दुस्तान ने प्रमुख खबर बनाया है। पत्र का कहना है कि मामला राम रहीम का हो, आसाराम का या फिर रामपाल का, इन सभी ने आश्रमों और डेरों के स्याह पक्ष को तो उजागर किया ही, साथ ही ये भी सामने आया कि समर्थकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर स्थितियों को कितना जटिल बनाया जा सकता है। अविरल स्वच्छ गंगा के लिए 111 दिन से अनशन पर बैठे आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर और पर्यावरणविद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के निधन पर अखबारों ने टिप्पणी की है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, गंगा पुत्र का दुखद अंत, जनसत्ता की श्रद्धांजलि है, गंगा की रक्षा के लिए पर्यावरण संत ने तज दिए प्राण। उच्चतम न्यायालय के निर्देश की अवमानना पर रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह के निदेशकों पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, और 15 दिन तक पुलिस की निगरानी में रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौथी औद्योगिक क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। समुद्री तूफान तितली कमजोर होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्री से समुद्री तूफान की स्थिति के बारे में बातचीत की और दोनों राज्यों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। सरकार ने संचार संबंधी कुछ मदों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के सिलसिले में 900 कैदियों को रिहा कर दिया है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।